तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक कर लेने के बाद आपने यहाँ से इस वीडियो को इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे इसके अंदर ये वीडियो इसके अंदर मैंने इंपोर्ट कर दिया। इसका एंडिंग वाला जो पार्ट है आपने यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने प्लस पे जाना है। प्लस पे जाने के बाद 8 फ़ोटो आपको चाहिए जो कि इसके अंदर आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ से मैं जो 8 फ़ोटो इसके अंदर ऐड करने वाला हूँ वन बाय वन करके, तो यहाँ से मैंने जो है 2 फ़ोटो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें जो है 6 और ऐड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये 6 फ़ोटो हमारे इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। तो अब इनको जो है थोड़ा सा स्क्रीन के अंदर एडजस्ट भी कर लेना है ताकि स्टेटस के अंदर सही तरह से दिखें। तो यहाँ से आपने जो है वन बाय वन करके इनको एडजस्ट करना है स्क्रीन के अंदर सही तरह से, ऐसे जूम आउट करके वन बाय वन करके आपने जो इन सब की जो है सेटिंग लाजमी से कर लेनी है। तो इनका जो टाइम ड्यूरेशन है आपने वन बाय वन करके 0.6 सेकंड तक रख लेना है। यहाँ पे वन बाय वन करके 0.6 सेकंड के ऊपर आपने जो है रखना है इस तरह से। जितने भी फ़ोटो आप इसके अंदर ऐड करते हैं, 8 करें या 9 करें, जितने भी आप फ़ोटो इसके अंदर ऐड करते हैं तो उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपने यहाँ पे जो है 0.6 सेकंड ही रखनी है सब फ़ोटोज़ की। तो यहाँ से मैंने जो है जो फ़ोटो ऑलरेडी मैंने कर लिए उनको यहाँ से लेफ्ट करके, अब यहाँ से आपने जो है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी सेम रखना, सब फ़ोटो का आपने जो है टाइम ड्यूरेशन सेम ही रख लेना 0.6 सेकंड। तो यहाँ से इस फ़ोटो को भी हम जो है टाइम ड्यूरेशन कम कर लेते हैं, चेक भी कर लेना है आपने कि कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है इनका। तो उसके बाद आप यहाँ से थोड़ा सा बैक जाते हो, आप यहाँ से इस वीडियो का जो साउंड है आपने यहाँ पे जो है इसको कम कर देना, मतलब म्यूट कर देना। म्यूट कर लेने के बाद अब यहाँ से हम जो है थोड़ा सा इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारी ये वीडियो कैसी बन चुकी है। तो ये वीडियो हमारी यहाँ पे जो है इस तरह से बन चुकी है। पहले ये वाला ट्यूटोरियल आएगा तो उसके बाद हमारे फ़ोटो जो है वन बाय वन करके जो है यहाँ पे चलने वाले। तो उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट करके आपने फ़ोटो के ऊपर जो है एनिमेशन लगा देना है, कॉम्बो के ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ से आपने जो है मैं आपको वूबल ये आपने वन वाली फ़ोटो के ऊपर क्लिक करना और नंबर सेकेंड वाली फ़ोटो के ऊपर आपने जो है कॉम्बो के ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ से जूम वन जूम टू ये सारे जो है एनिमेशन आपने वन बाय वन करके इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो यहाँ से मैंने जो है जूम वन और जूम टू ये दोनों जो है इसके अंदर ऐड करने हैं। एक फ़ोटो के ऊपर आपने जूम वन रखना है और एक फ़ोटो के ऊपर आपने जो है जूम टू रखना है। तो इस तरह से आप ये स्टेटस जो है क्रिएट कर सकते हैं जूम वन और जूम टू। यहाँ से इन सब फ़ोटोज़ को जो है आपने वन बाय वन करके एनिमेशन लाजमी से दे देना है ताकि स्टेटस के अंदर अच्छी तरह से जो है ये दिखें। तो लास्ट वाली फ़ोटो है इसको आपने एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, कॉम्बो के ऊपर क्लिक करना है, इसको भी आपने ऊपर वाला जो है ऑप्शन वो दे देना है। तो ये कर लेने के बाद अब यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपने यहाँ पे जो है ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने जो है एक्सट्रैक्टर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से आपने जो है ये वाली वीडियो इसके अंदर इम्पोर्ट कर देनी है। तो ये इम्पोर्ट कर लेने के बाद अब यहाँ से थोड़ा सा हम इसको प्ले करके देखते हैं कि हमारी ये वीडियो कैसी बन चुकी है। थोड़ा सा इसको भी यहाँ से आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है इसकी स्प्लिट के ऊपर आपने यहाँ पे इसको जो है क्लिक करना है और एंडिंग वाला जो पार्ट है आपने इसको जो है डिलीट कर देना है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट कर लेने के बाद आप इसको जो अपने टिकटॉक अकाउंट पे जहाँ भी आप चाहें इसको जो अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू आए हैं चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।